अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू गोभी की रेसिपी, कि मैं किस तरीके से आलू गोभी बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके पराठे भी, यानी कि आलू गोभी का पराठा भी बनाएंगे हम, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ इसी वीडियो में लास्ट में शेयर करूँगी कि आलू गोभी का पराठा किस तरह से बनाते हैं। और ये हम अब आलू गोभी की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखें, मैंने कढ़ाई ले लिया, पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, जो भी ले लें। तो इसके अंदर हम पहले ऑयल ऐड करेंगे। ये 4 अदद प्याजे हैं हमने लिए हैं और इनको मैंने चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, चॉपर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं, जैसे हम ऑमलेट के लिए कट करते हैं प्याज, उस तरह से कट कर लें। और यहाँ ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने टमाटर ले लिए हैं और ये हमने 7 से 8 अदद जो है छोटी वाली मिर्च ली है, सब्ज मिर्च, इसको भी हम चॉप कर लेंगे इन सब चीज़ों को। ये देखिए व्यूअर्स, इन प्याजों को जो है हमने फ्राई करना है लाइट गोल्डन होने तक। अभी भी इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। ये देखिए, देखिए व्यूअर्स, इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए प्याज़ों को, और ये हल्के हल्के से गोल्डन हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ये ऐड कर दूँगी, 1 टेबल स्पून सिर्फ हमने सफ़ेद ज़ीरा। अब हमने इसको भी सॉटे कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। इतनी देर में हमारे प्याज भी गोल्डन हो जाएंगे और हमारे ज़ीरे का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा इसके अंदर। देखिए व्यूअर्स, हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ज़ीरा भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, तो इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च का भी पेस्ट चला गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ये देखिए, अब हमने इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा लहसुन अदरक भी जो है वो गोल्डन हो गया, अच्छे से फ्राई हो गया। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है अपने स्पाइसेस। और ये देखिए, यहाँ पर कुटी हुई जो मिर्च है वो मैंने लिया 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, सिर्फ इसको हमने 1 मिनट के लिए जो है ना थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना ये मिर्चें जो है हमारी जल जाएंगी। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो हमने चॉप की हुई है, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको भी अब हमने मिक्स करना है। देखिए, हमने इसको अच्छे से इस तरह से भूनते जाना है। हल्का सा पानी मैंने इसके अंदर डाला है, छींटा इसके अंदर डाला है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है ये 1 टेबल स्पून नमक, और 1 चिकन क्यूब मैं ले रही हूँ, नॉर का चिकन क्यूब जो है सिंपल वाला लेना है हमने, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। देखिए, इसको इस तरह से हमने भून लेना है अच्छे से, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है ये नीचे ना लगे। देखिए, हमारा मसाला जो है कितना अच्छा सा भुना जा चुका है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं आलू। ये देखिए, मैंने 2 किलो गोभी ली है और ये आलू भी हमारे पास तकरीबन 5 अदद आलू हैं हमारे पास मीडियम साइज़ के, ये हमने लिए हैं। इनको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है।
भूनना है, यानी कि इसके साथ मसाले के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। ये देखिए अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है मसाले के साथ आलू को। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जो है दही, देखिए 2 टेबलस्पून दही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी अब हम हल्के से भून लेंगे हल्का सा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मसाले, ये जो है मैंने काला ज़ीरा और कसूरी मेथी और धनिया उसको ड्राई रोस्ट करके पिसा हुआ है ये वो मसाला है, और ये गरम मसाला है पिसा हुआ, ये दोनों हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोभी, ये 2 किलो गोभी है हमारे पास, और इसको काट के यानी कि इसकी डंडियाँ वगैरह उतार के ये 1.5 किलो रह गई होगी, और 1 किलो आलू है। आप अपने हिसाब से मसाले जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से सब्ज़ी की। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से गोभी को मसाले के अंदर यानी कि मिक्स कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये 2 टेबलस्पून सोया सॉस, ये देखिए ये ऐड करके अब हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर करके रख देना है। ये देखिए इस तरह से कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने रख देना है, इसको ढक के रख देना है, और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएंगे। और इसको हमने 5 मिनट के बाद जो है वो देखा है, और इसके अंदर अब हमने चम्मच हिला दिया है, तो ये थोड़ा सा नीचे लग रही थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया। अगर ये नीचे लगने लगे गोभी आपकी, आलू गोभी का साग सब्ज़ी जो है वो, फिर आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दें, लेकिन उससे पहले इसको दम पर ही पकाएं। अब फिर हम इसको दम पर ही रखेंगे ताकि ये दम पर और अच्छे से पक जाए। ये देखिए व्यूअर्स, इसको 10 मिनट के लिए मैंने और दम पे रखा था, और ये हमारी गोभी अच्छे से गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। अब हमने इसको हाई फ्लेम पर भून लेना है अच्छे तरीके से। देखिए मैंने अब फ्लेम हाई कर दी है। वो देखिए व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे से भून लेना। मैंने इसके अंदर आलू जो है वो ज़्यादा डाले थे, क्योंकि हमने पराठे बनाने हैं इसमें, इस वजह से। अगर आपने पराठा ना बनाना हो, यानी कि आलू गोभी के पराठे आप लोगों ने ना बनाने हो, तो आप इसके अंदर आलू जो है वो कम डाल सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। आज सैटरडे है और कल संडे है, तो संडे को हम जो है वो आलू गोभी का पराठा नाश्ते में इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। देखिए व्यूअर्स, इसको अच्छे से हमने भून लिया है, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 से 3 अदद हरी मिर्च, ये देखिए, और हरा धनिया। और इसके अंदर हमने हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो ऐड कर दिया। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए दम पे रख देना ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसके अंदर ऐड हो जाए, और हमारी ये रेसिपी तैयार है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए, और हमारे चैनल को भी प्रमोट कर दीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।